हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला सियासत की थी। देखो जो सियासत जो गंद पै गए ना, गालम गाल मचोली धिके रोड़े बदतमीजी की इंतहा हो गई, इंज लगता जिम्मे बंदा किसी कंजर मले लगा फिर तो बड़ी अवारगी। अल्लाह ताला साडे लीडर नूं हदायत अता फरमाए। सब तो पहले असीं मुसलमान हाँ, फिर पाकिस्तानी हाँ, फिर कोई लीडर है ये फड्डा मेरा सारिआं नाल रहिंदा है। फिर गुस्सा कर जांदे ने साडा इहो जिही गल्लां क्यों करना है, उत्थे तो सारे हथ बन के फिरन वाले ने। असीं कहिंदे नहीं, अगर कोई लीडर भी है तो गलत गल कीती नहीं, जे गल गलत है आह गल ठीक है। लेकिन उलमाए किराम की खिदमत बार बार कोशिश करी दी है कि अगर उलमाए अहले सुन्नत मुत्तहिद हो जाए तो इदू वड्डी फिर गल कोई नहीं। लेकिन अफसोस इस गल का है तहरुल कादरी साहब ने मूवमेंट चलाई, बड़े अहले सुन्नत ने साथ दिता, शहादत भी दित्तियां, कुर्बानियां भी दित्तियां, पर उन्होंने भी हूण मत सी कि मैं आप ही किला फतह करना है। कुर्बानियां दुआ के सब दी कुर्बानियां जाया कीतियां तो हूँ सुकून नाल बह गए ने। अल्लाह ताला उन्होंने सेहत कामला देवे और दीन की खिदमत करनी सही तरह तौफीक देवे। कुछ चीज़ों के सानू उन्होंने इख्तलाफ है, अल्लाह ताला उन्हें भी उन्होंने राय रास के उत्ते आने की तौफीक देवे। हूँ तहरीके लबैक वाले नाल जिस तरह नौजवान साढ़े चल रहे हैं, हर आस्थाना उन्होंने प्यार करता है, लेकिन उन्होंने भी गलतफहमी कि असं आप किला फतह कर लेना। मैं खादम साहब रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हूँ साहब रिजवी साहब मद्दउद्दीन अली उन्होंने पर्सनैलिटी जरा जेल च वेख्या, बाद मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, मैंने उन्होंने तबीयत कोई तकबर नज़र नहीं आया, बड़ी मुहब्बत वाली तबीयत है। लेकिन उन्होंने दाएँ बाएँ जो बैठे ने वो उन्होंने सीधे पास आन नहीं देंगे। अगर दीन ने हक की आवाज़ है तो तुसी अगर नेक नीति है, अगर नीयत है कि मैं दीन फैलाना है तो इस नेक नीति नाल तुसी तावन की भीक लैन वास्ते गोल्डन शिप क्यों नहीं जा सकते। अगर नेक नीति है तो तावन की भीक लैन वास्ते तुसी मुल्तान शरीफ कादमी साहब के दरबार से क्यों नहीं जा सकते। अगर नेक नीति है तो दीन फैलाने वास्ते तावन की भीक लैन वास्ते पाक पतन शरीफ क्यों नहीं जा सकते, तुसी सुल्तानपुर शरीफ क्यों नहीं जा सकते। अगर तुहाडे ते तकब्बर है तो साध रिजवी साहब फिर तुम जो कर रहे हो अपनी जात के वास्ते कर रहे हो, दीन वास्ते नहीं कर रहे हैं। फिर तमाशा मत बनाओ, लोगों को शहीद मत कराओ, गली गली तमाशा मत लाओ, कहो मैं जो कर रहा अपने वास्ते कर रहा हूँ। ठीक है, जिन्हें तुम पसंद नवाज शरीफ भी अपने वास्ते कर रहे हैं, खान भी अपने वास्ते कर रहे हैं, तुम भी अपने वास्ते करो। अगर दीन वास्ते कर रहे हो तो सवेरे मैं नज़र आवे कि साध रिजवी खैरात लैन गोलन अच्छी पहुंचे है, साध रिजवी पाक पंथ श्री पहुंचे है, साध रिजवी सुल्तान बाग श्री पहुंचे है, साध रिजवी हजरत शेखुल हदीस दरबार से फैसलाबाद पहुंचे है, साध रिजवी गजालिया दुरान के दरबार से मुल्तान श्री पहुंचे है। अगर सारे नाल चलन तैयार ने तो रिजवी साहब तुहाडे अंदर बीमारी कहड़ी है। अगर दीन फैलाना है तो रल के चा कर सकते हो, कले कले बालों शहीद मत कराओ, ऐसे नारे मत लुआओ कि गली गली। हाँ शहादत दईए पर रिजल्ट आवे, शहादत दईए अगर खलूस हो, अगर खलूस अपनी जात ला ले तो फिर दीन आया तो तमाशा मत लाओ, फिर अपनी जात के नारे लाओ। अगर दीन की गल करनी जी तो मेरे नज़र आवे कि सवेरे मुल्तान तुम गए, परसों तुम पाक पुद शरीफ गए हो, चौथ तुम गोलड़ा शरीफ गए हो, सारे नाल टुरन तैयार ने। अगर तमाम उलमा तमाम अहले सुन्नत की जमात सुन्नी तहरीक जमीयत उलमा पाकिस्तान जमात अहले सुन्नत अगर मुत्तहिद हो जान तो साढ़े बुजुर्गों पाकिस्तान बनाया सी तो साढ़े उलमा ही वारस होंगे।